हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनिंग ट्रू नॉर्थ। और बहुत दिन हो गए, काफ़ी बिजी चल रहा था, तो फाइनली अब टाइम मिला है और अब सोचा गया है कि थोड़ा एजुकेशन वाइज कुछ कंटेंट डाला जाए। तो आज का टॉपिक होने वाला है एस्पेक्ट के बारे में, एक शिफ्ट का एस्पेक्ट क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं या कैसे समझते हैं, सो दैट आपको अपने स्टडीज़ में थोड़ा फ़ायदा हो इस सिलसिले। तो शुरुआत में एक वीडियो है जो विजुअली आपको शिप्स दिखा रही है, वो मैंने लास्ट टाइम एंकरेज पे लिया था और अभी मैं उसका टेक्निकल डिटेल्स, जो उसको कैसे एंगल कैलकुलेट करते हैं वो वगैरह आपको दिखाता हूँ। सो बी देयर टिल द एंड। वेलकम बैक गाइस, वी वर टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट ऑफ द शिप। एस्पेक्ट को समझाने के लिए सबसे बेस्ट टाइम मिला है हमें। इफ यू कैन सी, ये हमारा शिप का फॉरवर्ड एंड आफ्ट डायरेक्शन है। फॉरवर्ड और ये आफ्ट, ये जो लाइन है, ये फॉरवर्ड एंड आफ्ट लाइन के बेसिस पे हम शिप को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। जो लेफ्ट साइड है वो रेड आ जाएगा फ्रॉम फॉरवर्ड टू आफ्ट 180 degrees, और जो राइट साइड है वो ग्रीन हो जाएगा। दैट्स व्हाट वी यूज इट इन टर्म्स ऑफ साइड। तो एस्पेक्ट में अगर हमारे रिस्पेक्ट से, हमारे शिप की पोजीशन से जो दूसरा शिप नज़र आता है उसका क्या प्रोफाइल नज़र आता है, उस प्रोफाइल को हम बोलते हैं एस्पेक्ट। सो इफ यू कैन सी, हाँ भाई, हाँ, हमारे सामने एक शिप है। इट्स नॉट एग्जैक्टली अ कार्गो शिप, इट्स अ वेरी हैवी लिफ्ट सॉर्ट ऑफ। वंस वी मूव ऑन द बोथ साइड, वी हैव ऑन द स्टारबोर्ड साइड। अभी फिलहाल ये जो शिप मूव हो रहा है, इस शिप का हमें पोर्ट साइड नज़र आ रहा है, उसका रेड जोन फॉरवर्ड एंड आफ्ट का जो रेड पार्ट है, यू कैन से वो हमें पूरा नज़र आ रहा है। वो किस एंगल पे नज़र आ रहा है, दैट इज़ द होल थिंग कॉल्ड एस्पेक्ट। सो दिस इज़ अ नाइस प्लेस टू सी ऑल द अदर शिप्स जो अलग अलग एस्पेक्ट में हैं। फॉर एग्जांपल ये शिप है, इसका भी हमें ग्रीन साइड दिख रहा है एंड मोरलेस फुल प्रोफाइल दिख रहा है, साइड प्रोफाइल। सेम गोज टू ऑल दिस शिप्स। कुछ शिप्स है जैसे जो एंगल पे ग्रीन साइड है बट एंगल पे दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी का दूसरा शिप है, यू कैन सी दैट अभी इसमें स्टारबोर्ड साइड दिख रहा है उसका ग्रीन साइड, बट एट एन एंगल। तो ये जो सारा एस्पेक्ट का जो नज़रिया है, इट्स ऑल अबाउट प्रोफाइल, किस एंगल पे वो शिप दिख रहा है हमें, इसका जो प्रोसेस है वो मैं एक्सप्लेन करके समझा दूँ। एस्पेक्ट समझने के लिए बेसिक जो आपको समझना होगा वो क्या है कि एक प्रोफाइल, एक शिप का प्रोफाइल क्या होता है, वो कैसे दिख रहा है, उसको हमें समझना पड़ेगा। तो अगर सपोज़ अगर एक ये शिप है, तो ये सपोज़ ये एक साइड है शिप का, ये एक दूसरा साइड है, तो ये प्रोफाइल है शिप का, साइड प्रोफाइल है, ये शिप का साइड प्रोफाइल है, ये उसका एग्जांपल समझ लें अगर आफ्ट है जो हमें पीछे से दिख रहा है अगर हम इसको देख रहे हैं तो, और ये अगर आगे से दिख रहा है तो। तो प्रोफाइल एक शिप का किस तरीके से हमें नज़र आ रहा है हमारे शिप से, हाउ वी सी द प्रोफाइल ऑफ अदर शिप फ्रॉम आवर शिप, इज व्हाट द एस्पेक्ट इज ऑल अबाउट। सो उसको समझाने के लिए मैंने ये रेड और ग्रीन जो इसके प्रीवियस वाले वीडियो में बताया है, दो शिप बनाए। अब हाफ पार्ट, अब ये समझने के लिए कि प्रोफाइल और व्यू कैसा है, जस्ट आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आगे वीडियो में ये साइड प्रोफाइल है, हम साइड से देख रहे हैं, ये फ्रंट ऑन है, ये एंड ऑन है, और ये टॉप व्यू है। टॉप व्यू मतलब ये फॉरवर्ड, ये आफ्ट, और इसका जो हाफ पार्ट है वो रेड, हाफ पार्ट ग्रीन, जो एरियल व्यू को मैंने यहाँ पे ड्राइंग में समझा है। जैसे ये हाफ पार्ट फॉरवर्ड एंड आफ्ट की जो लाइन है, सेंटर लाइन है, उस फॉरवर्ड और आफ्ट सेंटर लाइन की रेड साइड और ग्रीन साइड, इसका एंगल जो होगा, ये बाव से शुरू होता है, बाव में ज़ीरो, गोज ऑल द वे डाउन 180, सेम रेड के लिए भी ज़ीरो ऑल द वे 180। सो लेट्स सी इन आर ओ सी आरपा जब इसको कैलकुलेट किया जाता है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे
आप उसको कैलकुलेट। सो ये जो शिप है ये सेंटर में है, इसे हम समझ रहे हैं फिलहाल के लिए ये ओन शिप है। ओन शिप और उसके आजू बाजू जो टारगेट होगा हम उसे करेंगे टारगेट शिप। तो इन दिस कंडीशन, जैसे अगर अभी ये जैसा दिख रहा है उसमें ओन शिप को टारगेट शिप का रेड प्रोफाइल दिख रहा है, और इस कंडीशन में ओन शिप को टारगेट शिप का ग्रीन प्रोफाइल दिख रहा है 90 डिग्रीज पे। यहाँ पे 90 डिग्रीज, यहाँ पे भी 90 डिग्रीज, यहाँ पे भी, और ये है जीरो, यू कैन कॉल इट जीरो ग्रीन और जीरो रेड, व्हाटएवर। बाकी एंगल उसका कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट्स सी हाउ। सो एस्पेक्ट कैन बी डिफाइंड एज द एंगल, इट्स बेसिकली एंगल, ठीक है, वो रेड हो चाहे ग्रीन हो, सो एस्पेक्ट इज एन एंगल। कैसे, फर्स्ट वी हैव टू नो द कोर्स ऑफ द अदर वेसल। सो इफ दिस इज द टारगेट वेसल एंड वी अज्यूम दैट वी आर गोइंग नॉर्थ 00, एंड इफ सपोज दिस वेसल इज ऑल्सो गोइंग सेम वे, तो जो इसका कोर्स है, इसका जो कोर्स है इस शिप का, प्लस जो हमारा रिलेटिव बैरिंग है आपस में, उस रिलेटिव बैरिंग का और उनके कोर्स का एंगल क्या है, वो एंगल इज द एस्पेक्ट। लाइक अभी 90 डिग्री उसका कोर्स प्लस उसका रिलेटिव बैरिंग, उसका जो रिलेटिव बैरिंग है अभी हमारा है 90, अगर हम उसका रिवर्स करें तो 270, सो फ्रॉम 270 अप टू 360 दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, तो जो एस्पेक्ट बना वो 90 डिग्रीज बना। सो नाउ वी कंसिडर द सेकेंड एग्जाम्पल। अब हमने टारगेट शिप जो यहाँ था, अब हम उसको यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, एंड इन दिस केस जो उसका कोर्स है, अगेन वी अज्यूम दैट हमारा कोर्स 000 है, उसमें सामने राइट हेड में वो शिप है, उसका कोर्स वी नो इफ इट इज 270, तो जो हमारा बेरिंग है, नाउ दिस वेसल इज एग्जैक्टली नॉर्थ ऑफ अस 00, तो जो उसका रेसिप्रोकल बेरिंग है, उसका ऑपोजिट बेरिंग है, दैट विल बी 180। ये जो 180 बेरिंग है, उस बेरिंग से लेके उसका कोर्स का जो एंगल बना, अगेन 90 डिग्रीज, एंड सिंस उसका रेड पार्ट हमें रेड प्रोफाइल नजर आ रहा है, दैट विल बी 90 डिग्रीज रेड। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एंगल पे रहता, अगर ये एंगल पे रहता, अगेन देन उसका कोर्स फॉर एग्जाम्पल 2 to 5, एंड स्टिल दैट वेसल इज राइट अहेड, सेम थिंग, उसका जो रेसिप्रोकल ऑफ बेरिंग है, रिलेटिव बेरिंग, दैट विल बी 180, एंड फ्रॉम 180 अप टू 2 to 5 एंगल इज 45 degrees, सो 45 degrees रेड। दिस इज व्हाट द एस्पेक्ट ऑफ दिस वेसल विल लुक लाइक, अगर हम इसे थोड़ा यहाँ कर, फॉर एग्जाम्पल वी आर स्टिल गोइंग 000। अब इस केस में जो बेरिंग बना है हमारा, फॉर एग्जाम्पल दिस बेरिंग इज फॉर एग्जाम्पल 300 है, तो उसका रेसिप्रोकल जो बेरिंग हो गया वो होगा -180, दैट इज 120। ये जो बेरिंग है दैट इज 120, और जो उसका कोर्स है इफ इट इज 090, देन दिस एंगल फ्रॉम 090 टू 120 इज 30 degrees। सो हमारा जो एस्पेक्ट हुआ दैट विल बी 30 degrees ग्रीन, बिकॉज ये एक एंगल पे दिख रहा है। सो आई होप ये बहुत छोटे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत मिनिमम एग्जाम्पल्स हैं। सो वंस यू डू योर ROC आप लोगों को क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग जो टारगेट वेसल है उसका कोर्स और उसका कोर्स ओवर ग्राउंड और रिलेटिव बेरिंग आपको मिलेगा, उसके बाद आपको जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको एस्पेक्ट भी डिफाइन करना पड़ेगा। सो दिस इज़ हाउ आप एक एस्पेक्ट को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि एस्पेक्ट क्या होता है। ओके, थैंक यू।
थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम.